मैडम ये आपके लिए लाई गई है। अब ये क्या है? क्या तुम मेरे लिए अंगूठी लाए हो मुराद? कहीं माफी तो नहीं मांगने वाले? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें कोई चीज ऐसे दूंगा बेवकूफ? रुको मैं चेक करता हूं। ये तुम्हारी अंगूठी है? लाओ, मैं इसे ढूंढ रही थी। लेकिन तुमने तो खो दी थी, तुम्हारी नजर में तो उसकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा लाओ दो मुझे। बेकार चीज के लिए क्यों परेशान हो रही हो? कोई अहमियत ही नहीं इसकी। तुमने मेरी अंगूठी फेंकी कैसे? हाँ मैडम, कोई मसला है? वो मेरी अंगूठी गिर गई है, देखें जरा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो मेरी ही अंगूठी है, जाएं ढूंढे उसे। इतनी मामूली सी अंगूठी थी, उस पे इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। मेरी अंगूठी खो गई है, जाओ ढूंढ कर ला कर दो। इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? तुम तो बड़ी हो चुकी हो ना मुराद। अब बस करो, मत करो ऐसा। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे रवैये से मुराद। अब तुम मुझे अज़ियत दे रहे हो। ना ही मैं बड़ी थी और ना ही मैं बड़ी होना चाहती हूँ। जाओ मुझे मेरी अंगूठी ला कर दो। वो नहीं ला सकता, माफी चाहता। ये काफी नहीं है। तुम्हें भी इस अज़ियत से गुजरना होगा जिससे मैं गुजर रही हूँ। मैंने अज़ियत नहीं सही? इतनी नहीं जितनी मैंने। मिस अंगूठी मिल गई। अरे रुको, छोड़ो मुझे। हयात, चलो ये पहन लो। मुझे नहीं चाहिए। हयात पहन लो। नहीं चाहिए ना? सब हमें देख रहे हैं। देखा कितनी अच्छी लग रही है तुम पे। इस तरह तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी, और अगर तुमने अपना ख्याल नहीं रखा तो जल्दी बूढ़ी भी हो सकती हो। क्या कर रहे हो यार? अगर उंगली कट जाती तो फिर क्या होता? हाँ अगर दोबारा छुआ तो काटूंगी नहीं, तोड़ दूंगी तुम्हारी उंगली। हाँ सच में ऐसा करोगी तुम तो अब तुम अपने नाजुक हाथों से मेरी उंगलियां तोड़ोगी। हाँ हाथ नाजुक है, टांगे नहीं। दर्द नहीं हुआ। तुम क्यों हंस कर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ देखो सुनो मेरी बात, जो कुछ भी आज तक हमारे दरमियान हुआ है उसके बावजूद मुझे पता है कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो। ये मेरी अंगूठी का बदला था, कोई प्यार प्यार नहीं है तुमसे। अगर मुझसे प्यार ना होता तो ये उंगली ना काटती। कोई प्यार नहीं है तुमसे, समझे? ओ अच्छा, सच में? हाँ सच में। ठीक है तो फिर सबको पता होना चाहिए, चलो आओ। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो फिर से? नहीं जाना मुझे। दादी जान के पास जा रहे हैं, उन्हें साफ साफ बता दूंगा कि हमारे लिए परेशान ना हो जो कि वो हो रही हैं। चलो